नमो बुद्धाय अशुभ ध्यान। हम सभी लोग अपने जीवन में ये अपने शरीर के बारे में सत्य स्वभाव को मनन करेंगे। अपने शरीर के शीर के सेरे से लेकर पैरों के तलवे तक इस त्वचा में मौजूद ये पूरे शरीर में अनेक प्रकार की गंदगी है। इस गंदगी को हम इस प्रकार से जानेंगे, देखेंगे, जैसे कोई किसान धान जमा करके एक झोली में डालता है, फिर उस झोली से एक एक बीज करके अलग अलग करता है। ये चावल है, ये दाल है, ये मूंग है, इस प्रकार अलग करता है। हम भी अपने शरीर के अंग अंग को अलग अलग करेंगे, देखेंगे कि हमारे सर के ऊपर बाल है, देखने में तो बहुत ही सुंदर है। रोज हम साबुन शैम्पू लगा के उसे और सुंदर बनाते हैं। अच्छा शैम्पू साबुन लगा के हमें और सुगंध भी देता है, मगर ये सत्य नहीं है। अच्छे तरह से बाल को देखते हैं तो उसका सत्य स्वभाव हमें पता चलता है। जब बाल हम एक दो हफ्ते तक नहीं धोते हैं तभी उसमें गंदगी पैदा होती है, चिपकाव पैदा होता है, एक दूसरे को चिपक कर दुर्गंधी फैला देता है, क्योंकि सर के अंदर जो भी रक्त है, पीप है, तेल है, उसी गंदगी से ये बाल उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने वाले ये सर के बाल दुर्गंध फैलाता है। किसी नाई के पास ये बाल हमें फेंका हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसी बाल को, फेंके हुए बाल को हमें उठाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये बाल गंदगी से भरा है। गंदगी से भरे हुए बाल हमेशा दुर्गंधी फैलाते हैं। कभी कभी हमें यही बाल खाने के सब्जी में, चावल में दिखाई देते हैं। इस प्रकार दिखने वाला बाल हमें बहुत ही बुरा लगता है, बहुत अप्रिय लगता है। अर्थात हमारे सर के बाल बहुत ही गंदगी से भरे हैं, भरे हैं, भरे हैं। इसलिए ये बाल दुर्गंध है, दुर्गंध है, दुर्गंध है। यह बाल अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर में हर एक जगह पे छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसे हम रोम कहते हैं। यही बाल अपने शरीर के जो भी रक्त है, तेल है, पीप है, उसी से बनते रहते हैं, उत्पन्न होते हैं। ये रोम भी हमेशा दुर्गंधी फैलाते हैं। बुढ़ापा होते होते ये सभी रोम हमारे शरीर से अलग हो जाते हैं। इसलिए ये
रोम भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे उंगलियों के ऊपर जो नाखून है देखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन ये नाखून का सत्य स्वभाव नहीं है। हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार की गंदगियां हैं। उसी गंदगी के कारण ये अपने शरीर के नाखून भी उसी गंदगी के कारण से बढ़ते हैं। ये नाखून बहुत ही दुर्गंध फैलाते हैं। बहुत ही सारे लोग ये नाखून के सुंदरता में फंस जाते हैं, प्रिय लगते हैं। हम ध्यान से देखते हैं तो उसी का सत्य सामने आ जाता है, सत्य पता चलता है। ये नाखून जब कभी हमारे खाने के थाली में पड़ा दिया तो, दिखाई दिया तो बहुत ही अप्रिय लगता है, बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि ये नाखून गंदगी से भरा है, गंदगी से भरा है। बुढ़ापा होते होते ही ये नाखून सड़ जाता है, उसकी सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। सुंदरता खत्म होने के बाद वही नाखून को कोई भी पसंद नहीं करता। हम कभी कभी अपने नाखून काटते हैं, काटे हुए नाखून को हम कभी भी तिजोरी में नहीं रखते, बल्कि उसे फेंक देते हैं। यही है उस नाखून का सत्य स्वभाव। ये नाखून भी बहुत ही दुर्गंध फैलाता है। यह नाखून भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे होठों के अंदर, मुंह के अंदर, होठों के पीछे बहुत सारे हड्डियां हैं। मुंह के अंदर जिसे हम दांत कहते हैं, ये दांत देखने में तो बहुत ही चमकते हैं, सुंदर लगते हैं, प्रिय लगते हैं, बहुत ही मजबूत दिखते हैं। ये दांत की हड्डियां हमें हर रोज साफ करनी पड़ती है। अगर यही दांत हम साफ नहीं करेंगे तो बहुत ही दुर्गंध आता है, सड़े हुए पखालों जैसा हमारे दांतों के अंदर, वैसे ही पीले कलर का एक प्रकार की गंदगी चिपक जाती है। ये पीले रंग की दांत की हड्डियां बहुत ही अप्रिय लगती है। अगर यही दांत हम एक दो हफ्ते तक नहीं धोते, नहीं वॉश करते तो बहुत ही दुर्गंध फैला देते हैं। यही दांत बहुत ही खराब लगते हैं। अगर यही दांत साफ नहीं रखेंगे तो जब भी हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तभी बहुत ही दुर्गंधी आती है, बहुत ही बुरा लगता है। बात करने से भी परेशानी होती है, इसलिए कभी कभी लोग अपने पास होकर भी अपने नाक मुंह को बंद कर खड़े रहते हैं। इसलिए यही दांत बहुत ही दुर्गंध फैलाता है।
ये गंदगी दांत भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारा पूरा शरीर त्वचा से ढका हुआ है, सिर के सेरे से तलवे तक त्वचा से ढका हुआ है। इस शरीर को हम देखेंगे, चेहरे पे त्वचा है, अपना गला भी त्वचा से ढका हुआ है, छाती भी त्वचा से ढकी हुई है और पीठ भी त्वचा से ढकी हुई है। दोनों हाथ, दोनों पैर त्वचा से ढकी हुई है, जानवरों की त्वचा की तरह हमारे शरीर की त्वचा भी हम निकाल सकते हैं। इस त्वचा में खाज खुजली होती है, कई प्रकार की बीमारियां आती है। किसी किसी की त्वचा काली है, किसी किसी की त्वचा गोरी है, लेकिन ये त्वचा गंदगी से भरी है। त्वचा की सच्चाई हम देखेंगे। एक या दो हफ्ते तक यही त्वचा हम नहीं धोएंगे तो उसी से दुर्गंध आती है। हमारे हाथों के दोनों बगलों में से, जांघों में से, गले से, पेट से, शरीर के हर अंगों में से दुर्गंध फैलने लगता है। जो लोग स्नान नहीं करते, वो लोगों के पास कोई भी बैठने का लिए मन नहीं करता। वहां पे कोई भी बैठता नहीं है, उसी से दूर चले जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर से बहुत ही दुर्गंधी फैलती है। यही है त्वचा का सत्य स्वरूप। ऐसे ही दुर्गंधी त्वचा हम सभी लोगों के पास है, लेकिन इसी त्वचा को वास्तविकता से नहीं देखते हुए लोग इसी में आसक्त हो जाते हैं। हम ध्यान से देखते हैं तो इस त्वचा में आसक्त होने जैसा कुछ भी नहीं है। यह एक प्रकार की माया है। काया के प्रति मन में संकल्प जगाकर उसी में आसक्त होते हैं। इसी त्वचा पर खाज खुजली आने के बाद, जलने के बाद कौन इस त्वचा को एक्सेप्ट करेगा, छूना पसंद करेगा? कोई भी नहीं। कभी कभी उस जले हुए त्वचा को याद करने के बाद हमें बहुत ही बुरा लगता है। उम्र ढलते ढलते ही ये त्वचा भी सिकुड़ हो जाती है। त्वचा पर भी झुर्रियां पड़ जाती है। इसलिए त्वचा में दुर्गंध आने लगता है। ये त्वचा भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर में मांस है, अपने दोनों पैरों के ऊपर, हाथों के ऊपर, छाती के ऊपर, अपने शरीर की अंग अंग पर मांस ही मांस है, मांस से भरा है। यही मांस लाल रंग का दिखाई देता है। कभी कभी अपने शरीर पे घाव आने के बाद
अंदर का मांस दिखाई देता है। यह मांस दिखाई देने के बाद बहुत ही बुरा लगता है। कभी कभी दुर्घटनाएं होने के बाद अपने शरीर के भाग अलग हो जाते हैं। अपने शरीर के जो मांस है, अगर वही मांस बिखर जाए, जब भी अपघात होता है तभी अपने पूरे शरीर के अंग अंग बिखर जाते हैं। बिखरे हुए अंग किसी को भी पसंद नहीं आते, बिल्कुल बुरा लगता है। सभी लोग अपने नाक मुंह को बंद करते हुए वहां से गुजरते हैं, क्योंकि यही मांस दुर्गंध फैलाता है। हम ध्यान से देखते हैं, अपने शरीर में भी वही मांस है, दूसरों के शरीर में भी वही मांस है। यही मांस सड़ते सड़ते बहुत ही दुर्गंध फैलाता है, इसीलिए यह मांस भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर में मांस के बीचों बीच हजारों नसें इधर उधर फैले हुए हैं। सिर से लेके पैर के तलवे तक पूरे शरीर में इधर उधर फैले हुए हैं। ये नसा भी बहुत ही दुर्गंध फैलाते हैं। यही नसा भी धीरे धीरे बहुत ही गंदगी फैला देते हैं, इसलिए नस भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर में हड्डियां हैं, ये हड्डियां भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर से लेकर पैरों तक पूरे अंग अंग में हड्डियां भरी हुई है। हड्डियों को जब हम ढांचे को देखते हैं तो हमें पता चलता है, जहां हमारी हड्डियां हैं, जहां पे दो आंखें दिखाई देती है, वहां पे देखेंगे तो हड्डियां ही हड्डियां है। नाक के छिद्र, मुंह के छिद्र, गर्दन के सभी भाग हड्डियों से भरे हुए हैं। छाती पर फसलियां एक दूसरे से जुड़े हुई है। बाई हाथ की हड्डी बाई और लटकी हुई है, दाई हाथ की हड्डी दाई हाथ की ओर लटकी हुई है। हाथों की उंगलियां हैं, वो बहुत ही लंबी लंबी दिखाई देती है। इसी प्रकार हमारे दोनों पैरों भी लटके हुए हैं। यह हड्डी देखने में बिल्कुल कुरूप लगता है। हड्डी दिखने के बाद कोई भी इसमें आसक्त नहीं हो पाता, क्योंकि यही हड्डी बहुत ही कुरूप लगती है। यही हड्डी हमारे शरीर के अंदर है। यह हड्डी भी बहुत ही दुर्गंध फैलाता है, इसीलिए यह हड्डी भी बहुत ही
अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर में जो मज्जा है उसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। ये अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर रहता है, जो एक प्रकार का चूर्ण पदार्थ है। हड्डियों में रहने वाला यही बहुत ही दुर्गंध फैलाता है। यह अस्थि मज्जा भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर रुख है, जिसे हम किडनी कहते हैं। एक किडनी बिल्कुल दुर्गंधी फैलाती है। जो भी हम पानी पीते हैं वही किडनी द्वारा पेशाब में यही पानी प्रवर्तित होता है। इसीलिए यह किडनी भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर के अंदर, छाती के अंदर हृदय है, यही हृदय भी देखने में बिल्कुल खराब लगता है, क्योंकि यही हृदय भी रक्त सभी द्रव्यों से चिपकाया हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है। दुर्गंधित पदार्थ से चिपके हुए कारण ये हृदय भी बहुत ही दुर्गंध फैलाता है। यही हृदय में हमेशा पीला रंग का पीप तेल हमेशा चिपकाया हुआ रहता है, इसलिए यह हृदय भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर में यकृत है, उसी को हम कलेजा भी कहते हैं। यह कलेजा भी बहुत ही दुर्गंध फैलाता है। यह कलेजा सड़ते सड़ते बहुत ही दुर्गंध फैलाता है, इसलिए यह कलेजा भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर के अंदर भी पित्ताशय है। यह पित्ताशय भी धीरे धीरे दुर्गंध फैलाने लगता है। यह पित्ताशय हमें दिखने के बाद बहुत ही बुराए लगता है, इसलिए यह पित्ताशय भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर के अंदर अग्न्याशय है। ये अग्न्याशय भी हमारे शरीर के अंदर ही रहता है, देखने में बिल्कुल खराब लगता है। ये अग्न्याशय भी अंदर से बहुत ही दुर्गंध फैलाता रहता है, इसीलिए यह अग्न्याशय भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर के अंदर, छाती के अंदर फेफड़ा है। सांस लेने से ये फेफड़ा फूल जाता है, सांस छोड़ने से यही फेफड़ा सिकुड़ जाता है, वह भी गंदगी से भरा हुए के कारण दुर्गंध फैलाते हुआ रहता है।
ऐसे गंदगी भरे हुए फेफड़े को कौन पसंद करेगा? कोई भी नहीं। इसलिए एक गंदगी हुई फेफड़ा भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे पेट के अंदर छोटी आती है और बड़ी आत है। यही छोटी आत और बड़ी आत दोनों भी दुर्गंध फैलाती रहती है। हम अन्न ग्रहण करने के बाद इन दोनों आते से अपना खाना अन्न प्रचन होता है। खाना पचने के बाद पखाना बनकर यही आज से शरीर के बाहर निकल जाता है। ये छोटे और बड़े आतों के कारण से ही हमारा जो खाना है वो शरीर के बाहर निकल में मदद होती है। कभी कभी कोई आदमी चाकू मारकर पेट के अंदर से जो आते दिखती है देखने में बहुत ही आते खराब लगती है। इसीलिए ये छोटी आत बड़ी आत दुर्गंध फैला रहती है। इसीलिए ये छोटी आत बड़ी आत दोनों भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर के अंदर और भी एक पदार्थ है जो बहुत ही दुर्गंधी फैलाता है, जिसे हम आमाशय कहते हैं। हम खाना खाने के बाद, खाना होने के बाद सारा खाना आमाशय में जमा हो जाता है। हम लोग अच्छे अच्छा खाना खाते हैं, जो मांस मच्छी सब्जी भाजी जितने भी पदार्थ हैं, अगर वो खाने के बाद वॉमिटिंग यानी उल्टी किया तो बहुत ही दुर्गंध आती है। उल्टी किया हुआ खाना को दोबारा कौन खाना चाहेगा? कोई भी नहीं। अब हमें समझ में आता है कि ये शरीर के अंदर बिल्कुल ही दुर्गंध है, दुर्गंध है, दुर्गंध है। ये आम आशय भी दुर्गंध फैलाता रहता है। इसीलिए ये आम आशय भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर के अंदर पखाना है। खाया हुआ खाना आज से गुजरते हुए पखाना बनता है। पखाना भी बहुत ही दुर्गंध फैलाता है। शौच करने के बाद उसे कोई भी दोबारा देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि नाना प्रकार के अनेक गंदगी अपने शरीर में है। ये पखाना अपने शरीर से ही बाहर निकला है। बाहर जितने भी सुंदर लगने वाले लोग हैं, खुरूप लगने वाले लोग हैं, जो लोग अभिनेता है, जो लोग अभिनेत्री है, यही सभी लोगों के शरीर से
यही पखाना निकलता है। शरीर के एक गंदगी को बिना देखे लोग इसकी माया में फंस जाते हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर इस प्रकार की गंदगी है। यही है हमारे शरीर की सत्य स्वभाव, इसीलिए यही पखाना भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे सर के अंदर मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क भी बहुत ही दुर्गंध फैलाता रहता है। यही मस्तिष्क में एक प्रकार का तेल चिपकाया हुआ रहता है, चिपचिपा सा रहता है। ये मस्तिष्क भी दुर्गंध फैलाता रहता है, इसलिए यही मस्तिष्क भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे द्रव्य पदार्थ है। एक ऐसा पदार्थ है वो हमेशा अपने शरीर में से दुर्गंध फैलाते रहता है। यह पित्त हम सभी मनुष्यों के शरीर के अंदर है। ये पित्त शरीर के अंदर से दुर्गंध निरंतर फैलाता रहता है। यह पित्त भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर के अंदर कफ है। कभी कभी हम बीमार पड़ने के बाद हमारे मुख से ओ कफ बाहर निकल आता है। ओ कफ देखने के बाद बहुत ही अप्रिय लगता है। वही कफ बहुत ही दुर्गंध फैलाता रहता है, इसीलिए यह कफ भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर के अंदर पीप है। यह पीप भी दिखने में पीले रंग का रहता है, दिखने में बहुत ही बुरा लगता है। जब कभी हमारा रक्त दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वह रक्त ही पीप में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए पीप भी हमेशा दुर्गंध फैलाता रहता है। यह पीप भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर के अंदर रक्त है, खून है। रक्त हमेशा शरीर के धमनियों से संचालन करता रहता है। कभी कभी दुर्घटना होने के बाद ये रक्त शरीर के बाहर निकल पड़ता है, निकल जाता है। बाहर निकला हुआ ये रक्त बहुत ही दुर्गंध फैलाता है, इसलिए यह रक्त भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर के अंदर और एक प्रकार की गंदगी है। एक गंदगी हमेशा दुर्गंधी फैलाती रहती है। हमारे शरीर में अंग अंग में से पसीना निकलता है। ये पसीना भी दुर्गंध फैलाता है। इस पसीना की गंदगी को छिपाने के लिए लोग सुगंधित द्रव्य, सुगंधित चून आदि लगाते हैं, क्योंकि शरीर
बहुत ही दुर्गंध फैलाता रहता है। अगर ये पसीना हम साफ नहीं करते, अगर हम साफ नहीं करते तो हमारा कपड़ा, शरीर दोनों में से दुर्गंधी बाहर निकलती है। पसीना सूखने के बाद अपने शरीर पर चिपचिपा का सा लहर होता है, क्योंकि यह गंदगी हमारे शरीर में है। यह पसीना भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर के अंदर चर्बी है जिसका रंग पीला है, दिखने में बहुत ही खराब लगती है। ये चर्बी भी हमेशा दुर्गंध फैलाती रहती है, इसलिए ये चर्बी भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे आँखों से जो पानी बहता है, आंसू बहता है, उसे कौन पीना चाहेगा? कोई भी नहीं। ये आंसू दुर्गंध फैलाता रहता है। ये आंसू भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर में एक प्रकार का तेल है, अपने शरीर में त्वचा का तेल। ये त्वचा का तेल है वो समय समय पर बाहर निकलता रहता है, जिसके कारण ये हमारा शरीर चिपचिपका सा रहता है, लगता है। यही त्वचा का तेल हमेशा दुर्गंधी फैलाता रहता है, इसीलिए ये त्वचा का तेल भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे मुख से जो थूक निकलती है, ये थूक हमेशा अपने मुंह में आते रहती है, हम हमेशा उसको निकलते रहते हैं। मुख से बाहर निकले हुए थूक को कौन चाटना चाहेगा? कोई भी नहीं। कहीं रास्ते पर उस थूकी हुई थूक को हमें दिखाई देने पर बहुत ही क्रोध आता है, दिखने में बहुत ही अच्छा नहीं लगता, हमें अप्रिय लगते हैं, बहुत ही बुरी लगती है, क्योंकि यह थूक भी गंदगी है, इसीलिए यह थूक भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर के अंदर जो नाक है, नाक में गंदगी है। सर्दी होने के बाद यह गंदगी नाक से बाहर निकलती है, गंध जैसा पीला रंग का चिपचिपका होता है, देखने में बिल्कुल ही बुरा लगता है, बहुत ही गंदा लगता है। खांसी आते समय, छींक निकलती समय ये पीला रंग का द्रव्य बाहर निकलता है, यह देखने में बिल्कुल ही खराब लगता है, इसीलिए कोई भी लोग इस नाक के गंदगी को पसंद नहीं करते। सभी लोगों के शरीर में यही गंदगी है, राजा रानी हो या छोटा मोटा आदमी हो, सभी के लिए एक जैसे ही गंदगी है। यह नाक की गंदगी भी हमेशा दुर्गंधी फैलाती है, इसीलिए ये नाक की गंदगी भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर में हड्डियों के जोड़ों में एक चिकट ऐसा पदार्थ है
जिसे लसिका कहते हैं। इसी लसिका के कारण हम अपने भुजाओं को पसार सकते हैं, हम अपने भुजाओं को समेट सकते हैं। ये हड्डियों के जोड़ों के ऊपर जो तरल पदार्थ है, यह भी दुर्गंध फैलाता रहता है। ये हड्डियों के ऊपर जो तरल पदार्थ है, यह भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। हमारे शरीर से पेशाब निकलता है, हम जो पानी पीते हैं वही पानी किडनी से पेशाब बनता है, बन जाता है। शरीर से बाहर निकला हुआ पेशाब बहुत ही दुर्गंध आती है। पानी जैसे दिखने वाला पेशाब उसे कौन पिएगा? कोई भी नहीं। जो दिखने वाला पेशाब है वो बहुत ही दुर्गंधी फैलाता है। जहाँ पे लोग पेशाब करते हैं वहाँ से जाने वाले, गुजरने वाले लोग कभी भी अपनी नाक मुंह के ऊपर कपड़ा लग के जाते हैं या बंद करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ से जाने वाले लोग वहाँ से बहुत ही दुर्गंधी आती है। यह पेशाब भी अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। इस प्रकार से हमारी पूरी त्वचा में एक गंदगी भरा हुआ है। एक गंदगी सभी लोगों के शरीर में भरा हुआ है। हमारे शरीर में 9 प्रकार के दरवाजे हैं, जिनसे हमेशा ये गंदगी छूती रहती है। 2 आँख, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, मुख, मल मार्ग, मूत्र मार्ग, इन सभी से नित्य गंदगी ही निकलती है। इस प्रकार यह शरीर दुर्गंधी युक्त है, अशुभ अशुभ भाव वाला है। ऐसा यह शरीर हमेशा दुर्गंध फैलाने वाला है। मरे हुए शरीर को अगर जंगल में छोड़ने के बाद वो धीरे धीरे सड़ जाता है, उसे कीड़े लग जाते हैं, हर जगह से गंदगी निकलती है। ऐसे शरीर को कौन पसंद करेगा? कोई भी नहीं। संसार में बहुत ही बहुत सुंदर सुंदर लोग मर ही जाते हैं, कुरूप लोग मर ही जाते हैं, नाटे, लंबे, गोरे, काले, सभी लोग मर जाते हैं। कोई कोई लोग पानी से मर जाते हैं, कोई कोई लोग अग्नि से मर जाते हैं, कोई कोई लोग आंधी तूफान से भी मर जाते हैं, कोई कोई लोग लड़ाई झगड़ा करके मर जाते हैं। ऐसा मरा हुआ शरीर सड़ जाता है, उसी में कीड़े लग जाते हैं। ऐसा शरीर किसको पसंद आएगा? किसी को भी नहीं। सचमुच मेरा शरीर बहुत ही दुर्गंध वाला है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, सभी मनुष्यों के, प्राणियों के शरीर यही प्रकार की गंदगी है। सभी प्राणियों के शरीर में यही गंदगी भरा हुआ है। सभी मनुष्यों को अगर चीर के देखेंगे, प्राणियों को चीर के देखेंगे, तो यही गंदगी
भरा हुआ है। यह शरीर हमें कुछ समय के लिए मिला है। यह अनिश्चित होने से अनित्य है। ये शरीर उत्पन्न हुआ है और बढ़ता है और धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे यही क्षण भंगुर है और अनित्य शरीर में आसक्त होने जैसा कुछ भी नहीं है। इस शरीर के हर अंग को हमें देखना चाहिए, जानना चाहिए, इस शरीर के सत्य स्वभाव को हमें देखना चाहिए। इसी शरीर के कारण हमें राग उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है। इसलिए हमारे मन में उत्पन्न होने वाली आसक्ति हमें हमेशा पीड़ित करती है। इसीलिए ये अशुभ ध्यान से अपने मन के लिए अपने राग मोह लोभ को आसक्ति को नष्ट करने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।